मीडिया बंद हो, शुक्रिया आपको, यही बगल में रहना, मीडिया बंद हो, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा खुद का अपना जन्मदिन है और इस मौके पर सबसे पहले मैं अपने शुभ चिंतकों का, विशेषकर बीएसपी के उन लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो पूरे देश में मेरे जन्मदिन को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए तथा अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि जी आदि की मानवतावादी सोच व उनके मूवमेंट को ध्यान में रखकर, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैंने उनके सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। वे अर्थात इनके अनुयायी आज पूरे देश में मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं, जिसके तहत चलकर ही मेरे जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के लोग अपने सामर्थ्य, अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और इस बार भी मदद कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खासकर कोरोना महामारी के दौरान परिवार में जिन कमाने वालों की मृत्यु हो गई है और उनके पीछे दुखी व पीड़ित चल रहे परिवारों की सरकारी मदद के अभाव में अब हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, तो उनकी भी पार्टी के लोग पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न रूपों में काफ़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में दुख की बात यह है कि इस समय यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने तथा चुनाव आचार संहिता भी लगने की वजह से अब यहाँ पार्टी के लोग इन सभी की किसी भी रूप में इस बार मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने यूपी में 4 बार अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर भी ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों जनहित की नई नई योजनाएं भी प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है, जिसे अब प्रदेश की जनता काफ़ी हद तक समझ चुकी है, जिसे हमें ये उम्मीद भी है कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी।
और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासन काल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ महीने पूर्व दिनांक 7 सितंबर को बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग के हुए सम्मेलन में इनकी सुरक्षा सम्मान व तरक्की आदि को लेकर तथा इसके बाद 9 अक्टूबर सन 2021 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी लाखों लाखों की संख्या में लखनऊ में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने तथा यहां दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ गरीबों मजदूरों बेरोजगारों नौजवानों किसानों व्यापारियों कर्मचारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के एवं छात्रों युवाओं महिलाओं बुजुर्गों आदि के हित व कल्याण आदि के संबंध में जो कुछ भी जरूरी बातें कही हैं तो उन पर फिर हमारी पार्टी के सरकार बनने पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल किया जाएगा। वैसे भी आज देश की असली चिंता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के हिसाब से चलकर देश के करोड़ों जनता को गरीबी बेरोजगारी महंगाई व तनावपूर्ण हिंसक वातावरण की दुर्दशा से निकालकर उन्हें कानून द्वारा कानून के राज के माध्यम से सुख शांति व स्थिरता पहुंचाने की है, जिसके अभाव में उनका जीवन काफी त्रस्त हो रहा है और ये लोग फिर से गुलाम व लाचार बनते जा रहे हैं और अब केवल यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी ये यकीन हो चला है कि यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व पंजाब आदि राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद देश में परिस्थिति जरूर बदलेगी और आम जनहित में कुछ जरूर बेहतर होगा। इस प्रकार काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद अब नया साल सन 2022 यहाँ उम्मीदों की ऐसी नई किरण लेकर आ रहा है जिससे आम जनहित का भला होने की काफी प्रबल उम्मीद भी है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का भी जो मुख्य तौर पर एक वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा झोंका होता है उसे आज जारी किया जाता है। इसलिए ये पुस्तक खासकर वर्तमान में युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी प्रेरणादायक साबित होगी, ताकि माननीय श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में उनकी त्याग तपस्या व कठोर मेहनत से बनी बीएसपी की अंबेडकरवादी व मानवतावादी मूवमेंट हमेशा आगे ही बढ़ती रहे और फिर उनकी ये मूवमेंट कभी भी आगे ना रुके। और अब मैं इस प्रेरणादायी पुस्तक का विमोचन करूं, लेकिन इससे पहले आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर खासकर यूपी उत्तराखंड व पंजाब में अपनी पार्टी के लोगों से ये भी अनुरोध करती हूँ कि पार्टी के जो लोग यहाँ चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से इस बार मेरा जन्मदिन अपने अपने घरों में ही रहकर मना रहे हैं, वे कोरोना नियमों व चुनाव आचार संहिता का भी पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने के लिए रात दिन खूब मेहनत करें और उन्हें भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताए। और यदि ऐसा हो जाता है और यहाँ सन 2007 की तरह
फिर से बीएसपी की अकेले ही अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है तो फिर ये ही इस बार मेरे जन्मदिन के लिए इनका ये खास व अत्यंत कीमती तोहफा भी होगा। लेकिन मुझे ये तोहफा देने के लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ यूपी, उत्तराखंड व पंजाब प्रदेश में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना है। जैसे अब चुनाव में खासकर जातिवादी व बीएसपी विरोधी मीडिया को बीएसपी की मुखिया के विरुद्ध कुछ खास मुद्दे बोलने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो अब ये लोग आए दिन मेरे चुनाव न लड़ने को भी लेकर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इसे भी आए दिन उछालते रहते हैं और इसकी आड़ में जनता को मेरे बारे में ऐसा इम्प्रेशन भी देते हैं जैसे मैंने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने 4 बार लोकसभा की व 3 बार राज्यसभा की भी राज्यसभा जबकि मैं 4 बार लोकसभा की और 3 बार राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हूँ, सदस्य रह चुकी हूँ। इसके अलावा 2 बार यूपी विधानसभा में व 2 बार यूपी विधान परिषद की भी सदस्य रह चुकी हूँ। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी स्वास्थ्य के मामले में ठीक हालत में चलते रहे तो तब तक वे सभी चुनावों को काफी हद तक खुद ही संभाल लेते थे और उस समय में अधिकांश चुनाव लड़ती थी और ज्यादातर चुनाव जीत कर भी आती थी। लेकिन इनके काफी लंबे अरसे तक बीमार रहने व उनके देहांत होने के बाद फिर पार्टी की मेरे कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई तो ऐसे में मैंने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत कर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। इसके अलावा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह विरोधी पार्टियां व जातिवादी मीडिया भी मेरे क्षेत्र में न जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ, उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी तैयार व परिपक्व भी कर रहा है और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है और फिर उचित समय पर ही इनको व पार्टी के अन्य नौजवानों को भी सीधा व अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का भी मौका जरूर दिया जाएगा जो ये सभी मेरे बीएसपी परिवार के ही लोग हैं। लेकिन इसे भी मेरे से
लेकिन इसे भी मेरे से सीधा जोड़ लिया जाता है। जबकि मीडिया तब पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के